एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू इंडियन ब्लॉगर प्रिया। होप अब सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी हो रहे हैं सुबह के 5:30, तो हमें निकलना है 6 बजे, और रात को डिसाइड हुआ था कि 4:30 बजे उठना ही है। तो पापा मम्मी भी हाँ हम उठ जाते हैं। पापा कह रहे मैं तो रोज़ 4 बजे उठ जाता हूँ। बड़ी रिकॉर्ड है कि जिस दिन ज़रूरत होगी उस दिन पापा नहीं उठेंगे। पानी दे दो। रुको रुको रुको, पानी ला रहे बेटा। कहाँ भाग रहे बेटा नींद में? तो लाइट खुलती तो ये भी पीछे पीछे उठ जाता है। खैर अभी बस रेडी होना है, तो अभी उठते हैं, रेडी होते हैं और आधे घंटे में हमें निकलना है। कैब में जाने वाले हैं, तो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि तैयार होके जाना है, आराम से जाते हैं और फिर दिल्ली पहुँच कर ही चेंज करेंगे। तो चलो अभी रेडी होते हैं। सामान आ गया घर के बाहर और खतरनाक वाला मौसम हो रहा है और मेरे को जुकाम जैसा भी लग रहा है। इस गर्मी में भी ना ये ठंड नहीं जा रही है। खैर एक शर्ट रखा है मैंने एक्स्ट्रा, पहनना होगा तो ले लूंगी। हाँ हाँ बस एक ही जाएगा। चलो फाइनल एक बड़ी राउंड काटते हैं। तो आज की सुबह थोड़ी अलग थी, बहुत तूफान था, हल्की हल्की बारिश की बूंदें थी और आखिरकार वो दिन आ गया जब मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। 3.5 महीने मैं यहाँ पर रुकी हूँ और काफ़ी अच्छा लगा। पता ही नहीं चला कब सारा टाइम कट गया। सब मुझसे पूछते रहते थे कब जाएगी वापस, कब जाएगी वापस। पर आप लोगों को समझना पड़ेगा कि यही तो टाइम है जब मैं घर आ सकती हूँ। एक बार निको स्कूल चला गया फिर ये पॉसिबल नहीं। अच्छा नानू को भी कर दो बाय। जब से गौरव घर आया निको सिर्फ अपने पापा पे चिपका रहता है। उसे लगता है पापा कहीं छोड़ के ना चले जाए। जब देखो पापा पापा करता है। एट लास्ट हम लोग वहाँ से निकल गए। मम्मी पापा को उदास करके पापा थोड़ा थोड़ा रो भी रहे थे। पता नहीं, पापा पहले बहुत स्ट्रांग होते थे पर अब मैं देख रही हूँ जैसे जैसे बुढ़ापा आ रहा है वैसे वैसे वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते जा रहे हैं, स्पेशली बच्चों को लेकर। जब भी बच्चे उनसे दूर जाते हैं उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर क्या करें, हमें तो खैर जाना था तो फिर रुक नहीं सकते थे इस बार। तो हमारी जर्नी शुरू हुई। रास्ता बहुत ठंडा था और लंबा भी था और नींद भी पूरी नहीं हुई थी, तो इसलिए हम लोग गाड़ी में सो गए। उसके बाद रास्ते में एक जगह हमने ब्रेक लिया, ब्रेकफास्ट करा, चाय पी और दोबारा से चल पड़े दिल्ली के लिए। दिल्ली में हमारा थोड़ी देर का हॉल्ट था, शाम की हमारी फ़्लाइट थी, तो हम लोग एक गेस्ट हाउस में रुक गए। एंड वाओ, ये हमारा गेस्ट हाउस था। ये हमारा रूम, नॉट रूम, स्वीट कहेंगे इसको। लाइट किधर से है? ट्वेल्व फोर्टी हो रहे हैं, अभी जाके हम लोग पहुंचे। घर से भी लेट ही हो गया था, 6 बजे का था निकलने का। ड्राइवर को बोल के हमने 6:30 बोल दिया था, फिर रास्ते में रुकना और वो सब जो भी है। सुंदर जगह, देखो प्लेन कहाँ है? तो अभी ज़्यादा नहीं देखूंगी, ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमूंगी। फटाफट से चाय मंगाते हैं, चाय पीते हैं और निकलते हैं। जिस काम के लिए हम आए हैं तो मैं बाद में बताऊंगी क्या काम है, पर फिलहाल वो करके शाम को मैं आपको वापस मिलती हूँ। सब हम हो गए रेडी निकलने के लिए और तामझाम सारा इसी पहले वापस आकर करते हैं, इसको समेटना सारा।
जब तक हम वापस आए निकू इतना एग्जॉस्ट हो चुका था, इतनी गर्मी थी बाहर, वो गोद में ही सो गया। इनफैक्ट एक बारी तो ऐसा हुआ कि मुझे डर लगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है अनकॉन्शियस टाइप का, पर उसे बहुत गर्म लग रहा था। टेम्परेचर में इतना फ़र्क आया कि मॉर्निंग में इतना ठंडा था और अब एकदम एक्सट्रीम गर्म था। खैर, इसको थोड़ी देर हमने रूम पर सुलाया और फिर उतनी देर में उन्होंने पैकिंग वैकिंग करी और उसके बाद हम लोग निकल गए एयरपोर्ट के लिए। पता नहीं दोबारा दिल्ली देखने के लिए कब मिलेगा, पर हाँ पुराना सारा याद आ गया आज। मेरे ख्याल से गौरवर में फर्स्ट टाइम आ रहा है जब से हमने दिल्ली छोड़ा था। थ्री से भी ज़्यादा। हमने 19 में छोड़ दिया था ना, 19 के सितंबर में छोड़ दिया था हमने। ये टाइम बाद साथ में वापस आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। हमारी फ्लाइट है आकाश की, फर्स्ट टाइम इस फ्लाइट में जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम है ना, पता नहीं कैसी होगी। बाय द वे, निकू की पहली फ्लाइट है जिसमें वो पूरा प्रॉपर टिकट के साथ ट्रैवल कर रहा है, एक सीट के साथ, क्योंकि अभी तक वो 2 साल से कम का था और 2 साल से कम का टिकट नहीं लगता है, उनका सीट भी नहीं मिलती है। अब जाकर उसको सीट मिलने लगी है। तो अच्छी बात ये है कि मैं उसके साथ 15+7 kg कैरी कर सकती हूँ, पर बुरी बात यह कि पूरा टिकट लगेगा, पूरे पैसे लगेंगे अब। और सीरियसली मुझे अब लग रहा है कि वो छोटे वाला निकू ही ज़्यादा बेटर था, गोद में आराम से सोते सोते जाता था, क्योंकि ये वाला निकू तो बहुत बदमाशी कर रहा था। इसको विंडो सीट दे दी, इसने इस विंडो पेन के तो बिल्कुल मुझे लगा हाथ में ही निकाल लेगा। पूरे रास्ते इसको ये छेड़ता रहा, बंद कर रहा है, खोल रहा है, सीट में खड़ा हो रहा है, कभी पीछे वालों के पास हंस रहा है, कभी आगे वालों के सिर पे हाथ मार के हंस रहा है। इसका यही चालू था पूरा टाइम। खैर, हम कोशिश कर रहे थे सो जाए, लेकिन ये सोया नहीं बिल्कुल भी। रात के 1:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग पहुंच रहे हैं। एक सिटी रह गई थी मेरी घूमने, जो कि अच्छी खासी बड़ी सिटी है। तो फाइनली इतने सालों बाद उसका मुहूर्त लगा है। सो हम आए हैं बैंगलोर। काफ़ी टाइम से प्लान था आने का। यहाँ पर गौरव का छोटा भाई बेंटी और उसकी वाइफ रीमू रहते हैं और आजकल मेरी मदर इन लॉ भी वहीं पे है, तो हमने सोचा ठीक है वहीं मिलने चलते हैं। काफ़ी टाइम से प्लान में था कि हम लोग कभी भी चेन्नई से ट्रैवल करके जा सकते हैं, बाय कार चले जाएंगे, क्योंकि 4 से 5 घंटे की जर्नी है, पर ऐसा कभी हो ही नहीं पाया। खैर, रात को कुछ नहीं दिखा शहर, बस सो गई मैं दोबारा गाड़ी में और फाइनली घर पहुँचे और फिर दोबारा जाके सो गए। आज है पहली सुबह बैंगलोर में। उठ लगा था सब लोग लेट उठेंगे, लेट मतलब सोचा था 11 बजे तक ही उठेंगे, पर 9 बज रहे हैं, 9 बजे सब लोग उठे हैं। अभी मैं चाय पी चुके हैं, मुँह तो कराई हो, फिर याद आया अभी शूट नहीं करा। अभी आइकिया, सुबह नाश्ता करा आराम से, आराम करा थोड़ी देर नाश्ता वाश्ता करके, अभी डिसाइड करा कि आज आइकिया होके आते हैं, पर ये तो सो गया। तो इसको हम ऐसे सोते सोते ले जाएंगे, शायद गाड़ी में उठ जाएगा तो गाड़ी में चेंज करा देंगे। हम रेडी नहीं है, इनका शूज पहनना भी स्टार्ट हो गया। रेडी हो गया। सो यहाँ से शुरू होती है हमारी आइकिया की जर्नी। सारा सामान यहाँ पर डिस्प्ले में लगा रखा था, 2 फ्लोर में ये था, 2 या 3 पता नहीं, बट ऊपर वाले फ्लोर में सब कुछ डिस्प्ले पे लगा हुआ था। छोटे छोटे से कॉर्नर्स बने हुए थे कि आपका ड्राइंग रूम ऐसा हो सकता है, तो हर सामान वहाँ पर जो था सेल के लिए था, लेकिन फिक्स्ड था, आप वहाँ से कुछ उठा नहीं सकते, वो सिर्फ सैम्पल पर्पज़ के लिए है। यहाँ ऑप्शन थे, सोफ़े के बहुत सारे थे, चेयर्स था तो उसमें आप बैठ कर देख लो, देन बेड्स लगे थे, बेड पे भी आप बैठ कर देख लो, उसमें एक एक बेडशीट से लेके कंफर्टर, मैट्रेसेस, हर चीज़ वहाँ सेल के लिए थी। जो भी वहाँ सामान था वो बिकने के लिए था, वैसा आपको मिल जाएगा उनके वेयर हाउस में। सो
वहाँ पे सब राउंड काटते थे, देखते हुए चलते थे और दिमाग में थोड़ा सेट कर लेते थे कि ठीक है हमें ये लेना है या ये नहीं लेना है। कलर कॉम्बिनेशन से थोड़ा हेल्प हो जाता था कि ठीक है हमारे सोफ़े ऐसे हैं तो कर्टेंस के साथ ये वाले भी अच्छे जाएंगे, ये ऑप्शन है। तो वैसे वैसे करके पूरा सैंपल लगा था, 1 BHK का सैंपल था कि 1 BHK में आप कैसे अपना किचन में और ड्राइंग रूम में, बेडरूम में कितना लिमिटेड सामान के साथ आप कंप्लीट एक घर रेडी कर सकते हो, ज़्यादा तामझाम नहीं लेना है। तेने की डाइनिंग एरिया था पिंक और वाइट की थीम में, ये मेरे को सबसे ज़्यादा सुंदर लगा, बहुत प्रीटी था ये। इसके बाद चलते चलते निकू थक गया था तो फिर उसको एक जगह बिठाकर फ्रूट्स खिलाने लगे, तो वो गया और एक चेयर लेकर आया, बैठकर उस पे खाया। अब बाद में हमने नहीं बोला, खुद ही वो चेयर जाकर रख दिया वापस जहाँ का वो चेयर था। खैर इसके बाद फिर हम आगे गए तो वहाँ कहीं मना नहीं है बैठना, आपको चेयर पे बैठना है चेयर पे बैठो, सोफ़े पे बैठो या फिर बेड पे बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको फील करना पड़ेगा कि कंफर्टेबल है या नहीं है। तो रिमू मोस्टली हर जगह ये करती थी, वो जाकर बैठ जाती थी, रेस्ट करती थी। खैर बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स थे जो कि ऐसे ही कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ा है, लिटरली बहुत बड़ा है, थक जाएगा कोई भी इंसान। पर शायद मेरा तो एक्साइटमेंट लेवल ही इतना ज़्यादा था कि मैं नहीं थकी। खैर वहाँ पर खाने का सिस्टम भी ऐसी है, आप पूरा एक राउंड काट लोगे, उसके बाद एक कैफेटेरिया टाइप आएगा जहाँ पर कि आप खाना वाना खा सकते हो, और उसके बाद आप नेक्स्ट राउंड में निकलो नीचे, वो बिल्कुल फिर वैसा सामान मिलता है जैसे आपको होम सेंटर में मिलेगा ना, हर चीज़ पिक करके अपने बास्केट में डाल लो पैसे वाला। तो यहाँ ये हमने खाना वाना खाकर उसके बाद हमने सामान वगैरह पिक करा और हम लोग निकल गए। कैसा रहा गौरव एक्सपीरियंस आईकिया का? बहुत बढ़िया रहा मेरे लिए। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा। तो फाइनली गौरव का कहना है कि आईकिया का जो भूत था वो उतर गया, क्योंकि मुझे ही पता है दोबारा तो आना नहीं होगा, पता नहीं कब आना होगा। पर अच्छी शॉपिंग है आज की, अब बंटी अभी तेरी जिम्मेदारी। इसके बाद हम लोग गए लिफ्ट के तरफ और यहाँ पर लास्ट एक देखने लायक चीज़ थी, वो थी ये लिफ्ट। इतनी बड़ी लिफ्ट थी कि अपने आप में ये एक बेडरूम बन सकता था। काफ़ी अच्छा रहा IKEA का एक्सपीरियंस। शॉपिंग हमारी हो गई थी और अब चाय पीने का बहुत मन हो रहा था, शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था, तो भैया ने बोला कि यहाँ पास में एक फेमस चाय वाला है पंचायत, वहाँ लेकर चलते हैं। तो हम लोग वहाँ गए सीधा, लेकिन चाय तो अच्छी थी नो डाउट, पर वो जो वाला माहौल था ना रोड साइड में खड़े होके चाय पीने वाला ढाबा वाला, मैं इतने टाइम से ऐसा कुछ नहीं करा है, और इतने टाइम बाद अब ऐसे खड़े होकर चाय पीना और वो सब, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को वो, क्योंकि यहाँ चेन्नई में तो ये सब चीज़ें नहीं मिलती है, और घर पे जब होते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें हो नहीं पाती, नहीं कर नहीं पाते। खैर यहाँ पर बहुत प्यार बट रहा था बाप बेटे के बीच में। इसके बाद हम लोग घर गए, खाना खाया, उसके बाद आइसक्रीम खाने का मन हुआ तो हम लोग आ गए शाम को, शाम क्या लेट नाइट आइसक्रीम खाने, और बस आइसक्रीम खाई और हम घर चले गए। इतना ही था आज के वीडियो के लिए गाइस, स्टे ट्यून्ड, बैंगलोर का अगला पार्ट आने वाला है। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।